महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम में जोड़े गए नए गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि विगत दिनों से कुछ ग्राम सभा को नगर निगम में जोड़ा गया है। जोड़े गए इन ग्रामों में विगत 2 वर्षों से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस अवसर पर प्रबल कुमार, मोहम्मद अरशद, प्रभात चतुर्वेदी, मुस्तफा अंसारी, दिलीप निषाद, विनित शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। हम नगर आयुक्त महोदय गोरखपुर को महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में ज्ञापन देने जा रहे हैं। विषय यह है कि जो महानगर में या जो 32 गांव जोड़े गए हैं नगर निगम के अंतर्गत, वह पिछले 1.5 साल से विकास के मद्देनज़र उपेक्षित हैं। इनमें कोई भी विकास कार्य 1.5 साल से नहीं हो सका। अब यह नगर निगम प्रमाणित किया कि यह 32 गांव नगर निगम में जोड़े गए हैं, जिनमें पूर्णतः सुविधाओं का अभाव है। हम लोगों की मांग है कि इन गांवों में अतिशीघ्र जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पक्की सड़कें, नालियां, बिजली के खंभे, वाटर सप्लाई, इस तरह के कार्य वहां अतिशीघ्र कराए जाएं, ताकि वह गांव नगर निगम से प्रमाणिक रूप से और प्रायोगिक रूप से भी जुड़ सकें। केवल कागजों में वह जोड़ करके यह रवायत न पूरी की जाए।